आईपीएल 2022 के स्टार्टिंग डेट के ऊपर इस वक्त बीसीसीआई की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर बीसीसीआई ने ये बता दिया है कि कौन से तारीख से आईपीएल 2022 का सीजन स्टार्ट होगा और कौन कौन से स्टेडियम में आईपीएल के मैचों को कंडक्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 के स्टार्टिंग डेट, शेड्यूल, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2022 के स्टार्टिंग डेट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले एक अपडेट देखने को मिली थी, जिसके अकॉर्डिंग 2 अप्रैल से आईपीएल 2022 स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इस डेट को कैंसिल कर दिया है और आईपीएल 2022 का नया स्टार्टिंग डेट रिवील कर दिया है। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो उससे पहले बताना चाहूंगा कि आईपीएल को कंडक्ट करने के लिए बीसीसीआई ने 2 प्लान्स क्रिएट किए हैं, जहां पर पहले प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोविड के केस आईपीएल के समय में कम जाते हैं तो 10 स्टेडियम में आईपीएल के सभी मैचों को कंडक्ट किया जाएगा, और प्लान बी के तहत अगर कोविड के केस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में बीसीसीआई मुंबई के तीनों स्टेडियम में आईपीएल के सभी मैचों को कंडक्ट करवा लेगी, यानी कि मुंबई के 3 स्टेडियम में ही आईपीएल के सभी मैचों को बीसीसीआई कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि आईपीएल 2022 में टोटल कितने मैच खेले जाएंगे। तो 74 मैचों का आयोजन किया जाएगा, जहां पर अब से कुछ दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन स्टार्ट किया जाएगा, और इस बार का आईपीएल और भी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि आईपीएल में 2 नई टीमों के तौर पर अहमदाबाद और लखनऊ की टीम शामिल हो चुकी है। तो इस साल का सीजन टोटल 10 टीमों के साथ खेला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आईपीएल 2022 के नए स्टार्टिंग डेट के ऊपर बीसीसीआई ने क्या अपडेट दी है और कौन से तारीख से आईपीएल 2022 स्टार्ट होगा। तो बीसीसीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब अप्रैल के महीने से पहले ही यानी कि मार्च के महीने में आईपीएल 2022 को स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली 25 मार्च से आईपीएल 2022 स्टार्ट किया जाएगा और इस साल का सीजन मई के अंत में खत्म हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2022 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन के बाद बीसीसीआई आईपीएल 2022 का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर देगी, जहां पर पहले मैच में चेन्नई और बेंगलुरु की टीम आपस में भिड़ेगी। और लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करें तो टीवी में स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क, वहीं मोबाइल फोन में डिज्नी हॉटस्टार पर आईपीएल के सभी मैचों का सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो यही था आईपीएल 2022 के स्टार्टिंग डेट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।